हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कंपेरेटिव क्लास में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक। जैसे हम लोग रूट 16 का वर्गमूल 4 निकालते हैं, रूट 4 का वर्गमूल 2 निकालते हैं, इस तरीका से हम जल्दी में निकाल देते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए आपको रूट 7 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दे, रूट 13 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दे, तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही समस्या को दूर करने के लिए हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसे 5 से 6 सेकंड में आप जो है उसका वर्गमूल जो है निकाल दीजिएगा। जैसे हम पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, x प्लस वाई बराबर रूट एक्स प्लस वाई बटा टू रूट एक्स, यानी प्लस जब रहेगा तब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। x माइनस वाई बराबर रूट एक्स माइनस वाई बटा टू रूट एक्स, यानी जब माइनस रहेगा तब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। चलिए पहला हम लेते हैं रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा। तुम इसको ऐसा दो संख्या में जोड़ेंगे या घटा करके ऐसा दो संख्या बनाएंगे कि आगे किसी का वर्ग होना चाहिए या पीछे किसी का वर्ग हो या अथवा ना हो, लेकिन आगे किसी का वर्ग होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं क्यों होना चाहिए, है ना, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे को x मानते हैं, पीछे को y मानते हैं, आगे को x मानते हैं, पीछे को y मानते हैं, आगे उसका वर्गमूल निकलता है। जब किसी का वर्ग रहेगा तभी ना वर्गमूल निकलेगा। रूट एक्स का जो है वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, लेकिन y वर्ग हो सकता है किसी का नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल तो यहाँ निकलता नहीं है, यहाँ निकलता नहीं है, इसलिए हो भी सकता है न भी हो सकता है। लेकिन एक जो ऐसा मान लेना है जो किसी का वर्ग हो और उसका वर्गमूल निकले। तो रूट 13 का ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है कि आगे किसी का वर्ग होना चाहिए, पीछे हो या अथवा न हो। तो हम तोड़ते हैं 9 प्लस 4, 9 4 13। देखिए आगे किसी का वर्ग है कि नहीं है, इसका वर्गमूल निकल सकता है। आगे को x मानते हैं और पीछे को y, कोई जरूरी नहीं है, पीछे वर्ग किसी का वर्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आगे जो है हर हाल में रखना है। चलिए अब यहां प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, रूट एक्स प्लस y बटा टू रूट एक्स। तो रूट एक्स यानी कि रूट 9 प्लस y का मान कितना है, 4 बटा 2 रूट 9, यानी कि रूट 9 का वर्गमूल 3 प्लस 4 बटा, रूट 9 के वर्गमूल 3 3 दूना 6। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दिए, 6 18 18 4 22 बटा 6, यानी कि और काट सकते हैं 11 दूनी 22 और 3 दूना 6, यानी कि 11 बटा 3 आया। 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, 0.10, 3 6 18, 2 फिर 0, 3 6 18, यानी 3.66, 3.66 इसका जो है वर्गमूल निकल करके आ गया। इसका एक्यूरेट मान नहीं निकलता है, लगभग में मान निकलता है, एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मान इसका नहीं निकलता, लेकिन लगभग मान जो है निकल जाता है। चलिए और संख्या लेकर के देखते हैं हम, चलिए रूट 40 का वर्गमूल हम निकालते हैं। इसको दो संख्या में तोड़िए, कैसे दो संख्या में तोड़ सकते हैं, 36 प्लस 4 में, क्या 36 प्लस 4 में, आगे को x मानते हैं पीछे को y मानते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, रूट एक्स प्लस y बटा टू रूट एक्स, x कितना है 36, 36 प्लस 4 बटा टू रूट 36, 36 के वर्गमूल 6 प्लस 4 की 4 बटा 36 के वर्गमूल 6 और 6 दूना 12,
फिर काट दीजिए 36 12, फिर भिन्न का जोड़ कर दीजिए 3 6 18 18 1 19 19 बटा 3। अब 19 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 6 18 19 में से 18 गया 1, 10 देके 0, 3 3 9 1 0, फिर 3 3 9 1, यानी कि 6.33 इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, अभी माइनस वाला लेते हैं, दो को प्लस वाले ले लिए, अभी माइनस वाला लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम रूट आठ का वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि आगे किसी का वर्ग होना चाहिए, पीछे हो अथवा ना हो। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 9 - 1 में, तो 9 में से एक गया तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो आगे x मानते हैं और पीछे y मानते हैं। चलिए तो माइनस वाला लिए ना है, तो माइनस का फॉर्मूला लगाइए, माइनस वाला लिए तो माइनस का फॉर्मूला लगाइए, तो रूट एक्स माइनस y बटा 2√x। तो x कितना माने 9, यानी कि √9 माइनस y कितना माने 1, तो 1 2 √x कितना माने 9 9 √9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा √9 का वर्गमूल 3, 3 दुना 6। अब भिन्न का घटाव कर दिए 6 18 18 में से ये गया था 17 बटा 6। अब 6 से जो है भाग दे दीजिए, 6 × 12 शेष बचा 5, 10 देकर के 0, 8 × 48 2 0, 6 × 3 18 2, यानी कि 2.83 लगभग में मान जो है निकल गया, 2.83 जो है लगभग में मान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत आसान विधि है, है ना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो आप भी सीख जाइएगा। चलिए और हम संख्या लेकर के देखते हैं, चलिए हम रूट 12 के वर्गमूल निकालते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 16 माइनस कितना कर सकते हैं 4, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा ना, हाँ। तो 16 माइनस 4 तो 12 बचेगा, तो आगे को x मानते हैं पीछे को y मानते हैं, तो माइनस की है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, रूट एक्स माइनस y बटा 2√x। x कितना माने हैं 16 माइनस y कितना माने हैं 4 बटा 2√16, 16 का वर्गमूल 4 माइनस 4 बटा √16 का वर्गमूल 4, 4 × 8 काट दीजिए 4 × 8, यानी कि 4 माइनस 1 बटा 2, ठीक है। फिर 4 × 8 8 में से गया था 7 बटा 2। अब 7 में 2 से भागा दे दीजिए तो कितना बचेगा 3.5, ये आपका आंसर आ गया, यानी लगभग में मान जो है निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों के भी जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई कमेंट में, नीचे कमेंट है, कमेंट में बोलिएगा, उस तरह से हम जो है और बेसिकली तरीका से सिखाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।